मैं इस दुख की घड़ी में सबसे पहले इस परिवार के साथ हूँ पूरी तरह से, और सरकार से मांग करती हूँ कि शहीद सब इंस्पेक्टर अतर सिंह जो 103 आरएफ रेजिडेंट कमाऊन में मणिपुर में जो ऑन डेपुटेशन आए हुए थे, उनका वहाँ कौन सी ऐसी हार्ट ड्यूटी दी गई जिसकी वजह से उनका ड्यूटी पे हार्ट अटैक हो गया ऑन ड्यूटी। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूँगी कि उनके बच्चों को उनकी जगह नौकरी दी जाए, और हरियाणा गवर्नमेंट में जो उसकी वाइफ है, हरियाणा सरकार की तरफ से मांग करूँगी जो शहीद का दर्जा होता है वो शहीद के दर्जे में जितने पैसे मिलते हैं, जो हिसाब किताब मिलता है बच्चों के भरण पोषण के लिए, उसके परिवार के भरण पोषण के लिए, उसके माँ बाप के लिए, अपने उसके बच्चों के लिए, शहीद के बच्चों के लिए, तो शहीद सब इंस्पेक्टर अतर सिंह के जो बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनके माता पिता है, उनको सबको उचित मान सम्मान दिया जाए, और उनकी जगह एक नौकरी हरियाणा सरकार में, हरियाणा सरकार की तरफ से उनकी पत्नी को या उसके बेटे को या बच्चे को दी जाए। और आज सुंदरा गांव में अतर सिंह जो कि सब इंस्पेक्टर थे सीआरपीएफ में और वो मणिपुर पोस्टेड थे, तो उनका हृदय गति रुकने से देहांत हो गया, तो उनका पार्थिव शरीर आज हमारे गांव सुंदरा में पहुंचा है और उनका दाह संस्कार अभी राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। उनकी फोर्स के लोग भी पहुंचे हैं, गांव और आसपास के ग्रामीण बहुत ज़्यादा संख्या में शहीद शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पे उपस्थित हैं। तो मेरा यही संदेश रहेगा, भगवान उनके परिवार को जो है इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, और जिन्होंने देश की सेवा करते हुए 30 साल हो गए थे उनके नाम जो है इस धरती पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए, और भगवान इस इलाके से ऐसे और सपूत भारत माता की रक्षा के लिए दे, और उनके परिवार को, गांव को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भगवान उनको इस दुख की घड़ी में मजबूती प्रदान करें।